हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। आज मैं आपको बटर मिल्क कड़ी या बटर मिल्क करी जो घर पे कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और 2 मिनट्स में आप इसे घर में इजीली बना सकते हो और आप इसे राइस के साथ इसके मज़े ले सकते हो। सो इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बटर मिल्क लिया है मैंने 1 बाउल और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लीव्स लिए हैं बारीक कटे हुए, और मैंने यहाँ पे जीरा लिया हुआ है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स, और मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिए हुए हैं, और मैंने 2 ग्रीन चिल्लीस और 1 रेड चिल्ली लिया हुआ है। सो चलिए अभी इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अभी एक इस कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। सो इसे मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं जीरा और मस्टर्ड सीड्स इसमें डाल दूंगी। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें मैं अभी मस्टर्ड सीड्स डाल दूंगी, जीरा। तो गैस को आपको 2-3 में ही रखना है। अभी मैं इसमें रेड चिलीज डाल रही हूँ। तो इसे फ्राई कर लीजिए। और अभी इसमें मैं कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ। इसे भी मैं अभी फ्राई कर लूंगी। अभी मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। आपके टेस्ट के अनुसार आप ज़्यादा कम डाल सकते हो। अभी इस तड़के में मैं बटर मिल्क डाल रही हूँ। सो लो फ्लेम में ही रखिए आप। सो इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही गर्म हो जाए तो इसे ऑफ गैस ऑफ कर दीजिएगा। बटर मिल्क कड़ी भी रेडी हो गया है। सो अभी मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा ज़ीरा स्मेल इसमें आ रहा है। फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी बटर मिल्क कड़ी अभी रेडी हो गया है। आप इसे घर पे बनाइए और राइस के साथ आप इसे खा सकते हो, और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। 2 मिनट्स में बटर मिल्क कड़ी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।